जिंक और वेदांता, या एक्चुअली ये जो पूरा अरेंजमेंट हुआ है, इसे एक बार सुमित के साथ समझते हैं। सुमित बताएं। तो कल अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान जिंक के रिजल्ट्स भी आए थे जो कि प्रीटी मच इनलाइन थे एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने, बट तीन बड़े अनाउंसमेंट आए थे जिसके वजह से हमें हिंदुस्तान जिंक में ये फॉल देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो पहला अनाउंसमेंट ये था जहाँ पे हिंदुस्तान जिंक वेदांता का जो इंटरनेशनल जिंक एसेट्स है उसको खरीदने वाले करीब 2.98 बिलियन US डॉलर्स के लिए, जो कि करीब 24,146 करोड़ रुपीज़ हो जाता है। उसी के साथ हिंदुस्तान जिंक अपने शेयर होल्डर्स को 13 रुपीज़ प्रति शेयर का डिविडेंड देंगे, जिसकी वजह से वेदांता को वापस बेनिफिट होगा क्योंकि वेदांता सबसे बड़े प्रमोटर है कंपनी में। और हिंदुस्तान जिंक आगे से 2% का एक 2% ऑफ टर्नओवर जो है वो ब्रांड फी देंगे प्रमोटर को, जो कि वापस से वेदांता है। तो इन तीन अनाउंसमेंट से क्लियर पता चलता है कि वेदांता को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है आगे चलते, और हिंदुस्तान जिंक के लिए थोड़ा नुकसानदायक है। अब अगर आप देखेंगे डील वैल्यू वो करीब 24,000 करोड़ का है और ये एक्विजिशन अगले 18 महीने में कंप्लीट होंगे। 80% ऑफ द अमाउंट जो है वो शेयर होल्डर अप्रूवल पर मिल जाएगा और बाकी का 20% अगले 18 महीने में मिलेंगे। अब वैल्यूएशन की अगर हम बात करें इस डील की तो करीब 15 टाइम्स है ईवी टू के सामने। अगर आप हिंदुस्तान जिंक की वैल्यूएशन देखेंगे तो वो सिर्फ 8.4 टाइम्स है और वेदांता के एनालिस्ट ये इंटरनेशनल जिंक एसेट्स को सिर्फ 5 टाइम्स का वैल्यूएशन देते थे, बट हिंदुस्तान जिंक ये एसेट करीब 15 टाइम्स वैल्यूएशन पे वेदांता से खरीद रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया स्ट्रीट के लिए। अब स्ट्रीट ये भी सोच रहा है कि क्या इस को शेयर होल्डर्स के अप्रूवल मिल जाएंगे, तो लगभग मिल ही जाएंगे क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट जो है, जो कि एक पब्लिक शेयर होल्डर है, वो करीब 29.5% होल्ड करता है और गवर्नमेंट नॉमिनी ने जो बोर्ड में भी है उन्होंने इस डील के लिए अप्रूवल दे दिया, तो मोस्ट लाइकली गवर्नमेंट का भी अप्रूवल इस डील के लिए आ जाएगा। अब ये नेगेटिव क्यों होता है हिंदुस्तान जिंक के लिए, अगर आप पिछले 12 महीने में देखेंगे तो हिंदुस्तान जिंक का जो डिविडेंड यील्ड था वो करीब 10% था और इस डील के कारण अब आगे चल के हिंदुस्तान जिंक से इतने बड़े डिविडेंड्स नहीं आएंगे शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक जो कि नेट कैश कंपनी था वो अब नेट डेट कंपनी हो सकता है। और इस एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि हिंदुस्तान जिंक डायरेक्टली सिर्फ वेदांता को, जो कि उसका प्रमोटर है, उसको करीब 57 रुपीज़ प्रति शेयर का डिविडेंड दे रहा है इस ट्रांजैक्शन से, और हिंदुस्तान जिंक के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को इस ट्रांजैक्शन से कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा, और इसी कारण हमें ये शेयर प्राइस फॉल देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान जिंक के शेयर प्राइसेस में। ये तो हो गया हिंदुस्तान जिंक, समझाने के लिए शुक्रिया, क्योंकि सीधी सी बात है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ये शेयर होल्डर्स जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं हिंदुस्तान जिंक को, उनके फ़ायदे का ट्रांजेक्शन नहीं लग रहा है, लेकिन वेदांता के शेयर होल्डर्स के फायदे का है, तो इसलिए वो बढ़ रहा है। ये नीचे वो 7% की हो चुकी है। ये 7% की गिरावट हिंदुस्तान जिंक को, विवेक आप सुन रहे हैं, आप हमारे साथ हैं ना, ये जो 7% की गिरावट है हिंदुस्तान जिंक की, इस शेयर को फेयर वैल्यूड कर रहा है या फिर थोड़ा और नीचे जाएगा? अभी ये थोड़ा और नीचे जाना चाहिए डिम्पी, पर्टिकुलरली देखिए अभी भी अगर वैल्यूएशन आप अगर देखो तो मुझे इंडस्ट्री के मुकाबले, जो इंडस्ट्री का पी करीबन 10-1 पे चल रहा है, इसका अभी भी 13-14 चल रहा है, और ये भी लग रहा है कि जो मेटल सेक्टर में एक क्या बोलते हैं एकदम एक स्टैग्नेशन चल रहा है, उसके कारण आगे चल के इस कंपनी से डिविडेंड भी आपका कम हो सकता है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि और 30 या 40 रुपए अगर गिरता है, मतलब आपको अगर 310 या 320 रेंज में मिलता है तो बहुत अच्छा वैल्यूएशन हो जाएगा। इस रेंज में अभी भी कॉस्टली है। 8 से 9 के बीच में भी यही बात कर रहा था कि जो ट्रांजैक्शन हुआ ये बाजार को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए थोड़ी सी ठीक नहीं हुआ। वो पैसा एक तो डिविडेंड पेइंग कंपनी, अब डिविडेंड पेइंग कंपनी नहीं रहेगी, और ये पैसा निकल के जाएगा वेदांता को। वेदांता का स्टॉक देखिए डेज हाई पे होगा, 2-3% गेन कर रहा है। एक तरफ वेदांता बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान जिंक 7% नीचे। इसको हम और ज़्यादा डीप में एनालाइज करेंगे। वेदांता पे एक व्यू बता दीजिए संतोष, आप बताएं वेदांता लिया है आज सुबह सुबह? यस, आज मेरा मॉर्निंग में वेदांता पे कॉल भी था, हालांकि ऊपर 340 का एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पे थोड़ा पॉज ले रहा है, तो अगर आज का हाई क्रॉस करता है तो फिर एक 350 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो मेरी सलाह रहेगी वॉच कीजिए 333 का लेवल, 333 पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, क्योंकि अगर 333 ब्रेक होता है तो शायद वो जो पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला वो फिजल आउट होते नजर आएगा। तो अभी बुलिश व्यू है, 340 के ऊपर टिकता तो और पोजीशन ऐड करें फॉर द टारगेट ऑफ 350 और 333 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें।